हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और धमाकेदार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेकर आया हूं। गाइस, आप सबसे पहले स्क्रीन में यहां पर देखो बहुत सारी चीजें मैंने रखी है जो कि पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हमारे पास बहुत ही प्यारा एवेंजर्स वाला हल्का एक बहुत ही प्यारा सेट है। यहां पर एक मैजिक कप है जिसके अंदर पानी डालने पर लाइट जलती है। यहां पर प्रोजेक्टर टॉर्च है। यहां पर एक बहुत ही पावरफुल गन है। पियानो है। डाई कास्ट कार का सेट है जो कि हॉट व्हील्स का है, काफी महंगा कार सेट है। यहां पर बेवलेट सेट है। यहां पर एक और कार सेट है और यहां पर बहुत ही प्यारा स्पाइडरमैन का टॉय है जो कि गोली चलाता है और फर्श पे चलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीजें दिखाऊंगा। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट टाइप की चीजें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। इनमें से अगर आप चाहते कि आपको कुछ भी मिल जाए उसका नाम कॉमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ऐसी वीडियो में लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है गाइस ये प्रोजेक्टर टॉर्च है ना। देखो यहां पर लिखा प्रोजेक्शन फ्लैशलाइट। यहां पर टॉर्च है और यहां पर 1 2 3 लेंस रखे हुए हैं। और कैसे इस टॉर्च को यूज करते हैं वो यहां पर सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिसके लेंस है ना उसके अंदर से आपको बहुत ही प्यारे कैरेक्टर दिखाई देते हैं तो मैं आपको इसको यूज करके भी दिखाने वाला हूं। ये देखो कुछ इस तरह का ये आइटम है ना। इसके अंदर हमें सबसे पहले प्यारी सी टॉर्च और तीन बहुत ही अमेजिंग लेंस देखने को मिलते हैं है ना। तो पहले मैं बॉक्स को रख लेता हूं साइड में। और ये हमारे एक्चुअल आइटम ये देखो है ना, ये हमारी टॉर्च। यहां से इसके बैटरी का स्ट्रैप निकालना पड़ता है, ये मैंने निकाल दिया। और गाइस यहां से इसको ऑन करते ही ये देखो इसके अंदर लाइट जलती है और इसकी रोशनी भी बहुत ज्यादा है ना। अब गाइस ये लेंस कैसे यूज करेंगे, देखो जो लेंस है ना आपको यहां पर इसके ऊपर लगाने और यहां पे लगाने के बाद आपकी टॉर्च रेडी है। देखो यहां से इसको ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से कैरेक्टर दिखाई देंगे और यहां से अगर आप इसको घुमाओगे तो आपके कैरेक्टर चेंज होंगे कुछ इस तरह से। देखो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये देखो है ना, तीन लेंस है। तो चलो गाइस इसको यूज करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। सो गाइस ये देखो प्रोजेक्टर टॉर्च मेरे हाथ में और अंधेरे में आप इसकी रोशनी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी रोशनी है। और अगर हम इसको दीवार की तरफ चलाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से कैरेक्टर दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। ये देखो क्यूट सा टाइगर है ना। और टॉर्च को जब आप दीवार के पास ले आते हैं कैरेक्टर छोटा रहता है और बड़ा हो जाता है। ये देखो कितने ज्यादा क्यूट क्यूट कैरेक्टर आप इसके अंदर से देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तीन लेंस आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं और तीनों लेंस के अंदर अलग अलग कैरेक्टर हैं। इस बार देखो फूड वाले कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे। देखो पिज्जा है, बर्गर है और देखो ये नूडल्स हैं, ये चावल हैं और ये देखो मोमोज भी हैं है ना। तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो गाइज अगर आपको ये प्रोजेक्टर टॉर्च पसंद आई तो ये आपको मिल जाएगी मात्र और मात्र 200 रुपीज में। 200 रुपीज के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग आइटम है ना। अगर आपको पसंद आए तो अभी कभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये आइटम कैसा लगा। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास यहां पर एक मैजिक कप। ये देखो यहां पर लिखा इंडक्टिव रेनबो कलर कप और कुछ इस तरह की लाइट इसके अंदर जलती है और यहां पर इसके सारे फीचर लगे हुए हैं। 2 बैटरी आर एट द बॉटम, बैटरी इसके अंदर लगी है, सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका बॉक्स है। तो चलो गाइस इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा मैजिक कप एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है और इसको यूज करने पर कैसा ये वर्क करता है। सो गाइस ये देखो मग को मैंने निकाल लिया, इसको मग भी आप बोल सकते हैं, कप भी आप बोल सकते हैं और कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। पूरा ट्रांसपेरेंट है। यहां पे इसके अंदर बैटरी डली होती है, यहां से आप ढक्कन खोल के बैटरी को चेंज भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह से पकड़ के आप इसके अंदर चाय, दूध, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पानी कुछ भी पी सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली लाइट जलनी शुरू हो जाती है और पानी निकालते ही लाइट बंद हो जाती है। तो चलो भाई इसको देखते हैं। ये देखो एक ग्लास के अंदर मेरे पास यहां पर काफी सारा पानी है, इसके अंदर पानी डालेंगे और गाइस देखो पानी डालते ही लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई और यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में है ना। आज रोशनी में आपको इसकी लाइट पावरफुल है नहीं है पता नहीं चलेगा, बट अगर आप अंधेरे में देखोगे ना तो इसकी लाइट बहुत ज्यादा पावरफुल है। और गाइस देखो यहां से पानी निकालते इसके अंदर की लाइट बंद हो जाती है और पानी डालते ही लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये देखो है ना कुछ ऐसा ये वर्क करता है। ये देखो लाइट बंद हो गई और ये लाइट ऑन हो जाएगी है ना। तो चलो गाइस इसको अंधेरे में देखते हैं। और गाइस ये देखो अंधेरे में इसकी लाइट का इफेक्ट देखो कितनी ज्यादा पावरफुल लग रही है ना। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आइटम है, बच्चों का ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है और जो लाइट की पावर है वो भी काफी ज्यादा है ना। सो गाइस मुझे तो ये मैजिक कप बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद आया तो अभी के वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास में बहुत ही प्यारा सा पियानो। ये देखो बहुत ही अमेजिंग सा पियानो जो कि कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। यहां पे रेड कलर का है, मेरे पास येलो कलर का है ना। तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी पैकिंग कैसी दिखाई देती है और ये मुझे मिला मात्र 250 रुपीज में। यहां पे इसके फीचर भी लिखे हुए देखो है ना, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, इसके अंदर बैटरी डालनी पड़ती है और सारे फीचर यहां पर लिखे हुए हैं। तो चलो गाइस इसको ओपन करते हैं। और गाइस ये देखो ये है हमारा एक्चुअल पियानो,
पियानो का साइज आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, डिजाइन आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलो गाइस इसको यूज करके देखते हैं, है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे इसके अंदर दो बैटरी डालनी पड़ती है, दो डबल ए बैटरी मैंने इसके अंदर डाल रखी है ना। यहां पे इसका स्पीकर बना हुआ है और यहां पे पूरा पियानो का पैटर्न बना हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं गुयू लिखा हुआ है, बहुत ही क्यूट लग रहा है देखने में। तो चलो गाइस इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारे तरीके से वर्क कर रहा है। और इस वाले बटन को दबाने से ना ऑटोमेटिकली प्ले होता है, ये देखो ऑटोमेटिकली प्ले होता रहता है, काफी ज्यादा साउंड भी इसके अंदर से आता है ना। ये देखो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ये पियानो आप आराम से देख सकते हैं, बहुत कम प्राइस में, बहुत ही अमेजिंग आइटम है और बच्चों को इसको यूज करने में मजा बहुत ज्यादा आएगा। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा दूं हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गन जो कि मुझे मिली है 400 रुपीज में। यहाँ पे लिखा है ब्लेड स्टॉर्म मैनुअल सॉफ्ट बुलेट गन, है ना। गन हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है और कुछ इस तरह की सॉफ्ट बुलेट हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, ये देखो, है ना, बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है। तो चलो गाइस इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा टॉय कैसा दिखाई देता है, उसको यूज करने पे कैसे वर्क करती है। ये देखो ये है हमारी गन, वाओ, है ना, बॉक्स हो गया खाली, बुलेट मैंने इसके अंदर पहले से लगा रखे और गाइस गन आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ना। यहां पे इसके अंदर में कुछ इस तरह की सॉफ्ट बुलेट देखने मिलती है जो कि आगे से चिपकने वाली होती है, है ना। जब भी किसी प्लेन चीज पे जाके लगती है तो ऐसे करके चिपक जाती है जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। और 4 बुलेट मैंने यहां पर पहले से लगा रखी है जो कि यहां से आप निकाल के यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। ये देखो यहां पर आप बुलेट को लगा सकते हैं और निकाल के यहां पर लगा के इसको चला सकते हैं। तो चलो गाइस इसको यूज करके देख लेते हैं। जो इसका बॉक्स है इसको मैं रख लेता हूं साइड में और गाइस देखो ये सॉफ्ट बुलेट यहां पे मैं इसके अंदर डालता हूं। ये देखो यहां से बुलेट निकाल के डाल के दिखाता हूं। देखो ये बुलेट मैंने इसके अंदर डाली, बुलेट हो गई सेट, इसको हम खींचेंगे यहां से। ये देखो ये वाला पार्ट खींचने पे बुलेट लोड हो जाती है ना। गन हो गई है चलने के लिए तैयार, तो चलाते हैं 3 2 1 गो। ये देखो गाइस बुलेट यहां पे आके निकल गई है और इसका आगे वाला पार्ट टूट गया, ये देखो, है ना। मैं आपको दूसरी बुलेट चला के दिखाता हूं। ये मैंने बुलेट को यहां पे लगाया, इसको मैंने लोड किया और गाइस ये देखो ये निकलने को तैयार है, पता नहीं क्यों, ये देखो अटक नहीं रही है, ये देखो, है ना। चलाते हैं गाइस 3 2 1 गो। और गाइस ये वाली नहीं चली है, इसको चला के दिखाता हूं। देखो ये मैंने लगाया, इसको मैंने सेट किया अच्छे से और 3 2 1 गो। ये देखो बुलेट यहां पे आके चिपक गई है, बाकी 2 बुलेट भी मैं आपको चला के दिखाता हूं। ये देखो ये मैंने इसको लोड किया और ये देखो वाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। ये मैंने इसको यहां पे लगाया, इसको मैंने लोड किया और 3 2 1 गो। ये देखो बुलेट यहां पे आके चिपक गई है। एक बुलेट ना थोड़ी पतली है, लूज सी है, तो इसके अंदर से बार बार निकल जाती है जिसकी वजह से ना इसको नीचे करके चलाना मुश्किल है, सीधा करके हम इसको चला सकते हैं ऐसे करके। देखो ये मैंने इसको लोड किया और गई, देखो 3 2 1 गो। ये देखो ये ना बुलेट लूज है इसकी, तो ये बाहर निकल जाती है। बट मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये बुलेट वर्क करती है और कितनी ज्यादा पावरफुल ये गन है। अगर आप इसको स्ट्रेट चलाओगे ना सीधा करके तो काफी दूर तक इसकी बुलेट जाती है ना। अगर आपको एक गन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहां पर बहुत ही प्यारा स्पाइडर मैन सोल्जर जो कि मुझे मिला 200 रुपीज में, है ना। और कैसे वर्क करता है सारे फीचर यहां पर लिखे हुए। यहां पर हमें इसको ओपन करके इसके अंदर बैटरी डालनी पड़ती है और ये स्पाइडर मैन वाले लुक में आता है। देखो यहां पे स्पाइडर मैन लिखा है, स्पाइडर मैन होम कमिंग, बहुत ही अमेजिंग आइटम है। और ये आपको बहुत सारे सुपरमैन कैरेक्टर में मिल जाएगा जैसे कि स्पाइडर मैन, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, है ना। तो इसको मैंने निकाल लिया पैकेट से बाहर और गाइस ये देखो कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है। यहां पर इसके हाथ में गन है, सामने से आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। यहां से इसके पैर है जो कि मूव होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से चलता है। यहां पर ऑन ऑफ का बटन है और यहां से ओपन करके हम इसके अंदर बैटरी डाल सकते हैं, है ना। तो गाइस ये देखो मैंने इसको रख लिया कुछ इस तरह से रेडी और यहां से ऑन करते ही गाइस ये देखो कुछ इस तरह से मूव होता है ये। उसको मैं यहां पे रखूंगा तो गाइस आप देख सकते हैं ये देखो किस तरह से चल रहा है। और ये गोली चलाते ना यहां पर लाइट भी जलती है गाइस ये देखो, है ना। और इसकी बॉडी कुछ इस तरह से मूव होती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसको मैं यहां पर रख के आपको चला के दिखाता हूं। देखो अब ये गोली चला रहा है, यहां पर लाइट जल रही है और कुछ इस तरह से मूव होता है। ये देखो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, थोड़ा सा और चला के देख लेते हैं। ये देखो कितना ज्यादा अमेजिंग टॉय है ना। बच्चों को ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है और 200 रुपीज के हिसाब से गाइस ये ऐसा आइटम है जो कि बच्चों को 100% पसंद आएगा ही आएगा, बहुत ही क्यूट लग रहा है ना। तो इसको भी रख लेते हैं साइड में। और गाइस हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा हल्क का एक्शन फिगर जो कि गाइस मुझे मिला है 200 रुपीज में। यहां पर लिखा एवेंजर्स 4 एज ऑफ अल्ट्रॉन और कुछ ऐसा ओवरऑल ये दिखाई देता है। यहां पर काफी सारे एवेंजर्स बने हुए ये देखो, है ना। और इसके अंदर हमें हल्क देखने को मिलता है जो कि बहुत फेमस कैरेक्टर है
और आपको जरूर हल्क पसंद होगा। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो यहां से मैंने इसको कर लिया ओपन, और आप हल्क का साइज देखो कितना बड़ा इसका साइज है, ये देखो है ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मेरे हाथ के ऊपर देख सकते हैं और कितना ज्यादा पावरफुल ये लग रहा है। इसके पूरे हैंड 360 डिग्री घूमते हैं, पैर भी मूव होते हैं और गर्दन भी इसकी मूव होती है कुछ इस तरह से, है ना। और यहां पर बटन है, बटन दबाने पर इसके अंदर लाइट भी जलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, ये देखो है ना। और क्या, इसको आप खड़ा भी कर सकते हैं, मैं आपको इसको खड़ा करके दिखाता हूं। देखो कुछ इस तरह से खड़ा हो जाता है, इसको आप बैठा भी सकते हैं, इसको आप लेटा भी सकते हैं, और इसको एक्शन मोड में भी ला सकते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। अगर आपने कभी हल्क मूवी देखी तो आपको पता हो ये कितना अमेजिंग और कितना वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर है ना। मुझे तो गाइस ये बहुत ज्यादा पसंद आया। 200 रुपीज के हिसाब से इसका प्राइस भी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और गाइस हमारे पास यहाँ पर दो बहुत ही प्यारे से कार सेट, ये देखो एक के अंदर आपको हॉट व्हील्स की कार देखने मिल जाएंगी और एक के अंदर आपको बहुत डिफरेंट टाइप की कार देखने मिल जाएंगी। तो पहले मैं आपको ये वाला दिखा देता हूं, इसका प्राइस है 2000 रुपीज। 2000 रुपीज में मुझे बॉक्स मिला जिसके ऊपर लिखा डाई कास्ट मेटल कार, और यहाँ पे इसके अंदर हमें 10 गाड़ियां देखने को मिलती है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी सुपर कार है, और जो हॉट व्हील्स की कार होती है ना वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो चलो गाइस पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, और इसके अंदर जो कार्स हैं उनके डिजाइन देखना गाइस आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको डाई कास्ट मेटल कार यूज करना पसंद है तो ये बॉक्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। टोटल 10 गाड़ियां जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके डिजाइन भी बहुत अमेजिंग है। तो चलो गाइस वन बाय वन देखने, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले गाइस ये देखो यहाँ पे हमारे पास है व्हाइट कलर की कार जिसके ऊपर लिखा है वैलेंटाइंस, है ना। और इसका लुक देखो कितना ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। और गाइस हमारे पास यहाँ पर एक पर्पल कलर की सुपर कार है ना, और ये सारी की सारी मेटल की बनी है, देखो मेटल की बनी हुई है। 10 साल तक भी यूज करोगे ना खराब नहीं होंगी, डिजाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और गाइस देखो सभी कार्स का डिजाइन अलग अलग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और जो भी कार आपको पसंद है इसका नाम उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना है ना, कौन सी कार पसंद है इसका नाम कमेंट में लिख देना, बस येलो ग्रीन जो भी है। ये देखो जैसे कि ये येलो कलर की है ना, और यहाँ पे ये देखो ब्लैक कलर की 2 सीटर कार है ना। ये देखो सामने से आप इसका डिजाइन देखो, साइड से देखो, इसके एलॉय व्हील देखो गाइस कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट कार है, ये देखो है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है गाइस। वाओ इन सभी के डिजाइन इतने ज्यादा कूल है ना गाइस, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। ये देखो है ना बहुत ही अमेजिंग है। और बाकी कार्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारे पास ऑरेंज कलर की कार, सामने से आप इसका डिजाइन देखो कितना यूनिक डिजाइन है, ये देखो है ना बहुत ज्यादा क्यूट है। और गाइस ये देखो ये भी एक सुपर कार है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कलर कॉन्ट्रास्ट देखो। और लास्ट कार है गाइस ये वाली, ये देखो इसका तो डिजाइन ही गाइस रॉकेट कार जैसा दिखाई दे रहा है, सामने से आप देख सकते हैं कितनी क्यूट है। टोटल 10 हॉट व्हील कार मेरे पास है जो कि मेटल की बनी हुई है, इनको मैं रख लेता हूं यहां पर। 2000 रुपीज इसका प्राइस है। और गाइस ये देखो मेरे पास एक और बॉक्स है जो कि डाई कास्ट मेटल कार का बॉक्स है, और इसका प्राइस है 500 रुपीज। 500 रुपीज में आपको 1 2 3 4 5 6 गाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो चलो गाइस इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं गाइस इसके अंदर आपको कैसी कार देखने मिलती है। यहां से मैंने कर लिया है इसको ओपन, ये देखो है ना। और गाइस आप कार का साइज देखो, सबसे पहले इन वाली कार का साइज बड़ा है, फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं, साइड से इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी कार है। और फर्श पे चलाना चाहो ना आप ये कुछ इस तरह से चलती हैं, है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना धक्का मारोगे उतनी ज्यादा स्पीड में चलेंगी। ये देखो है ना, देखो मैं आपको चला के दिखाया था प्रॉपर, ये देखो कुछ इस तरह से चलती है। अगर मैं ज्यादा फोर्स के साथ धक्का मारूंगा तो ज्यादा दूर तक चलती जाएगी, तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो एक कार तो ये है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसी है दिखाई देती है, वाव कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है ना, जीप कार जैसा इसका डिजाइन है। और ये गाइस देखो ये है ग्रीन कलर की सुपर कार, इसका भी डिजाइन आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है। और गाइस देखो ये है ब्लू कलर की सुपर कार, ये देखो कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बुगाटी सैरोन जो कार है ना वैसा इसका डिजाइन लग रहा है, वाव। और गाइस देखो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रे कलर की सुपर कार जिसके टायर का कलर पिंक है गाइस, ये देखो वाव। और लास्ट आइटम है गाइस हमारे पास ये बहुत ही प्यारी सी जीप रेड कलर की, देखो कितना प्यारा डिजाइन है इसका, है ना। सो गाइस आप देख सकते हैं टोटल 6 गाड़ियां हमें इसके अंदर देखने मिलती हैं, सभी का डिजाइन और कलर अलग है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही हैं। और लास्ट आइटम है हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा बे ब्लेड का सेट, ये देखो है ना, यहाँ पे लिखा है टोरनेडो स्पीड टॉप, और यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका पूरा बॉक्स कैसा दिखाई देता है, यहां पर लिखा टोरनेडो है ना। ये देखो कुछ इस तरह के बेब्लेड हमें इसके अंदर देखने मिलते हैं, टोटल 8 बेब्लेड बने हैं, बट इसके अंदर 2 ही बेब्लेड हैं जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखो है ना। एक तो गाइज आई थिंक ये वाला है और एक ये वाला है, 2 बेब्लेड ये वाले हैं। तो चलो गाइस इसको ओपन करके देखते हैं और इसको थोड़ा सा चला के भी देखेंगे। यहां से मैं इसको ओपन कर रहा हूं,
ये देखो इसकी पैकिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है। सबसे पहले गाइस इसकी कॉर्ड देखो नीचे गिर गई है, मैं उठा के लाता हूँ गाइस। ये देखो इसकी वायर मेरे पास है यहाँ पर, ये देखो है ना, जिससे बेब्लेड को चलाया जाता है। और गाइस हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा लॉन्चर और यहाँ पे दो बहुत ही प्यारे प्यारे बेब्लेड, ये देखो है ना कितने प्यारे बेब्लेड। यहाँ पे लॉन्चर है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज देखने को मिलती है जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, जिनको आप बेब्लेड के नीचे यहां पर लगा सकते हैं। देखो है ना, ये इसकी की है बेब्लेड को ओपन करने के लिए। अगर आप बेब्लेड चलाते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे इसको यूज किया जाता है। और इसके अंदर हमें एक छोटा सा स्टेडियम देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा क्लियर है ना। तो चलो इसको ओपन करके चला के देखते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास लॉन्चर है, इसको मैं रेडी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेब्लेड को। अगर ये चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि बेब्लेड को कैसे चलाया जाता है। ये देखो इसको मैंने पूरा रेडी कर लिया है। बेब्लेड का डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट डिजाइन है। तो चलो गाइस इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है ना। 3, 2, 1 गो। और गाइस ये देखो मैंने इसको चलाया तो गाइस आप देख सकते हैं बेब्लेड कितने ज्यादा अमेजिंग तरीके से चल रहा है। दूसरा बेब्लेड भी मैं रेडी कर लेता हूं, इसका भी डिजाइन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। ये मैंने इसको रेडी करा और गाइस 3, 2, 1 गो। और गाइस देखो दोनों बेब्लेड का बैटल हो गया, जो कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। ये देखो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने दोनों को एक साथ चलाया होता ना बहुत ही खतरनाक बैटल होता है इनके अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे दोनों बेब्लेड कैसे दिखाई देते हैं, और ये मेटल क्वालिटी के हैं देखो, है ना। दोनों का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। पूरे बॉक्स का प्राइस है मात्र 250 रुपीज। 250 रुपीज में आपको दो बेब्लेड एक लॉन्चर में देखने मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉय दिखाए हैं। अगर आपको कुछ भी पसंद आया उसका नाम कॉमेंट में बताना, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइज।